नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में NIS TLET जो कैंडिडेट्स हैं वो PRT भर्ती के लिए वैलिड हो चुके हैं। फाइनल जो इनका जजमेंट है वो 13 जून को आएगा। ओके, अब पहली बात ये है कि काउंसलिंग में तो उनको अभी फ़िलहाल राहत दे दी गई है। अभी जो काउंसलिंग होगी उनमें उनको बुलाया जाएगा। मेन बात इसमें यह है कि कौन से कैंडिडेट होंगे वो जिनको बुलाया जाएगा, क्या वो सिर्फ याचिकाकर्ता हैं या फिर बाकी के कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। आपने 2-3 दिन पहले के न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि अभी भी सरकार कंफ्यूज है कि किन कैंडिडेट्स को इस काउंसलिंग में बुलाया जाए और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बीएड के उनका क्या होगा। देखिए, ये बात पहले ही गवर्नमेंट को इस भर्ती पे या तो कोर्ट की भी मैं मानता हूँ थोड़ी गलती है कि स्टे लगा देना चाहिए था भर्ती में, क्योंकि एक बार स्टे रहता तो जब फाइनल ऑर्डर आता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्या है इसमें, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 281 याचिकाकर्ताओं को ही मौका मिलना चाहिए, ठीक है, या उनको ही मिलेगा, कोर्ट का ऑर्डर ही ऐसा है। तो ऐसा ऑर्डर जो है ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, और आपको बता दूं जब भी ऐसे कोई केस डलते हैं तो जो कोर्ट है वो याचिकाकर्ताओं के लिए ही ऑर्डर निकालता है, एक जनरल ऑर्डर नहीं निकालता है। फिर क्या होता है, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनको दोबारा केस करना पड़ेगा इसमें, और जल्द से जल्द आप यकीन मानिए कि ये हफ्ते 10 दिन में जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी ऑर्डर आ जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको जल्द से जल्द केस करना होगा इस ऑर्डर को जनरल बनाने के लिए। अभी कैंडिडेट सोच रहे हैं हम याचिकाकर्ता बन जाए, उसमें नहीं है कोई फ़ायदा कि अगर जो याचिकाकर्ता नहीं है वो दोबारा याचिकाकर्ता बनने की सोच रहे हैं और उसमें लगेगा बहुत समय। लेकिन अगर केस जो है वो जनरल कर दिया जाए, इसका ऑर्डर जो है वो जनरल के लिए आप लोग प्रे करें, यानी कि याचिका डालें, तो जल्द से जल्द ये हो जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, ठीक है, 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है NIS के, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फ़ायदा ये होगा कि जिसके जितने अच्छे मार्क्स होंगे अपने रैंक के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि लगभग 2300 से ज़्यादा पोस्ट थी इसमें और मैक्सिमम कैंडिडेट बीएड के हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आपने देखा था सरकार कंफ्यूज है कि उन कैंडिडेट्स का क्या होगा बीएड वालों का, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो भर्ती है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसको दोबारा से काउंसलिंग करानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कारण क्या है, प्रायोरिटी DLED के लिए थी लेकिन इन्होंने उस समय NIS को आउट करा हुआ था तो बीएड को ले लिया। तो बीएड को लेने के बाद उनकी नियुक्ति भी दे दी, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में साफ लिखा हुआ है कि इसके अंडर इनकी नियुक्ति है और कभी भी इनको बाहर निकाला जा सकता है 1 महीने की सैलरी देके। तो अगर इस समय NIS DLED के कैंडिडेट बैक स्टेप में आ गए, पीछे हट गए, तो ये नियुक्तियां उनके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। प्रोसेस भले ही लंबी हो जाए लेकिन फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। पहले सारे DLED के कैंडिडेट ही इस भर्ती में होंगे, जब DLED के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उसके बाद ही BED के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, ये नियमावली में लिखा हुआ है। और अगर नियमावली में ऐसा लिखा है तो 1200 के करीब तो सिर्फ NIS DLED के हैं और उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए जिन जिन का इसमें नाम आया है। इस समय NIS DLED के कैंडिडेट आपस में न लड़ें तो ही सही होगा। काफ़ी याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं का ही होगा, बाकियों का नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर भी केस लटकेगा, क्योंकि जो याचिकाकर्ता नहीं है वो भी पिटीशन फाइल करेंगे ही, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, जो याचिकाकर्ता नहीं है तो वो इस समय इस केस को सिर्फ जनरल कराने की कोशिश करें। आज तक ऐसे ही हुआ है, जब भी कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है वो याचिकाकर्ताओं के लिए आता है, फिर बाद में उसको जनरल में कन्वर्ट करा दिया जाता है। जैसे UP में हुआ है, राजस्थान में भी यही हुआ है। जनरल ऑर्डर आने के बाद याचिकाकर्ता का ऑर्डर आने के बाद उसको जनरल बना देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जल्द से जल्द जो याचिकाकर्ता नहीं है NIS वाले वो इस पे केस फाइल कर दें, चाहे कोई भी कैंडिडेट, एक सिंगल कैंडिडेट भी अगर केस फाइल कर देगा कि इस केस को जनरल बनाया जाए, तो जल्द से जल्द आप लोग यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर ये जो ऑर्डर है वो जनरल हो जाएगा। तो इसमें देरी बिल्कुल ना करें, याचिकाकर्ता बनने के चक्कर में मत रहें कि सब याचिकाकर्ता बन रहे हैं, भाग रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। केस को जल्दी से जनरल बना दो आप, और ताकि ये जितने भी कैंडिडेट हैं इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जिनके नंबर अच्छे आए हैं, पहले उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मेरी राय आप लोगों को यही है, जल्द से जल्द केस को जनरल बनाने के लिए पिटीशन फाइल कर दें। और बीएड के कैंडिडेट जो हैं, अभी भी आप जानते हैं इसमें
केस फाइल कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। केस अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो एक पक्की मोहर लग जाएगी एनएस जिलेट में। अभी फ़िलहाल तो उत्तराखंड में है, उसके बाद ये ऑल इंडिया लेवल में ही वैलिड हो जाएगा। आप कहीं भी जाके फॉर्म भरिए। तो उत्तराखंड के जो बीएड कैंडिडेट हैं ये तो अच्छा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से पक्की मोहर मिल जाएगी कि कैंडिडेट्स को भर्ती में लिया जाएगा। तो इसमें तो फ़ायदा एनएस डीएलएड का ही हो रहा है, या डीएलएड कैंडिडेट्स का ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी जल्द से जल्द जो मैंने बताया है आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के मेरे को मैसेज में रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बताइए जो याचिकाकर्ता नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, इस केस को जल्दी से जनरल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जल्द से जल्द जनरल में कन्वर्ट करिए। इस ऑर्डर को जनरल के लिए होना चाहिए, यानी कि सारे एनआईएस डीएलएड के फेवर में होना चाहिए, जिन जो भी 1200 कैंडिडेट हैं उनके फेवर में। ठीक है, इससे रिलेटेड और आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।